विराट कोहली के धमाकेदार शतक, शुभमन गिल के अर्धशतक और गेंदबाजों के शानदार से भारतीय क्रिकेट टीम ने पुणे में विश्व कप 2023 के 17वें मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने अपना 48वां वनडे शतक लगाया और भारतीय क्रिकेट टीम ने क्रिकेट विश्व कप में 257 रन के लक्ष्य को केवल 41.3 ओवर में हासिल कर लिया। वनडे क्रिकेट विश्व कप में यह भारत की लगातार 4थी जीत थी और जीत के साथ मेजबान टीम ने अंक तालिका में 4थे स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। एक ओर जहां भारत की जीत पर पूरा देश झूम रहा है, तो दूसरी ओर एक ऐसा शख्स भी है जो कि इससे नाखुश होगा। उसने तो बांग्लादेश की हार से दुआ मांगी थी और वादा किया था कि अगर पाकिस्तान का बदला पूरा हुआ तो वो ढाका जाकर बांग्लादेशी लड़के के साथ डिनर डेट पर जाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की एक्ट्रेस शहर शिनकारी के बारे में। भारत बनाम बांग्लादेश मैच से पहले शहर शिनकारी ने एक्स यानी कि ट्विटर पर पोस्ट किया था, इंशाल्लाह मेरे बंगाली बंदूक अगले मैच में हमसे बदला लेंगे। अगर उनकी टीम भारत को हराने में कामयाब होती है तो मैं ढाका जाकर बंगाली लड़के के साथ फिश डिनर डेट पर जाऊंगी। शहर शिनकारी की इच्छा हालांकि पूरी नहीं हो सकी तो भारत की जीत के बाद उन्होंने यूटर्न मार दिया और बांग्लादेश की तारीफ करते हुए बाबर आजम की कप्तानी वाली टीम को ताना मार दिया। उन्होंने लिखा, बंगाल टाइगर्स ने अच्छा खेला, कम से कम आप लोगों ने भारतीय टीम को उनके घरेलू मैदान पर चुनौती दी है। उनका सीधा मैसेज ये था कि पाकिस्तान को एक तरफा हार मिली थी जबकि बांग्लादेश ने 250 से अधिक रन बनाए हैं। पुणे के एमसी स्टेडियम में यह किंग कोहली के लिए विशेष था क्योंकि भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया है। विराट कोहली ने अपना 48वां वनडे शतक, 78वां अंतर्राष्ट्रीय शतक और 26,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे किए हैं, जिससे क्रिकेट रिकॉर्ड विश्व कप में उनका नाम और ऊंचाई पर पहुंच गया है। यह 2015 के बाद उनका पहला विश्व शतक और कुल मिलाकर 3रा शतक है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को लेकर बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं। खास बात यह है कि भारत में जारी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में टीम का प्रदर्शन तो खराब ही था, साथ ही उनका व्यक्तिगत प्रदर्शन भी सवालों के घेरे में आ रहा है। बाबर आजम 4 मैचों में से सिर्फ एक बार ही 50 का आंकड़ा छू पाए हैं। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर तेजी से सवाल उठने लगे हैं और उनकी कप्तानी से हटाया जाए। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि जब बाबर आजम को कप्तानी पर सवाल उठ रहे हैं। वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान की टीम ने शुरुआत अच्छी की थी, पहले नीदरलैंड को हराया और फिर श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड लक्ष्य चेंज करके जीत हासिल की। उसके बाद भारत के खिलाफ पाकिस्तान की टीम की पोल खुल गई। यहां से हार ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी गेंदबाजों की झमकर धुलाई हुई और कप्तान बाबर आजम समेत मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज भी कुछ खास नहीं कर पाए। कुछ इस तरह लगातार 2 हार के बाद टीम को झेलनी पड़ी है। बता दें कि बाबर आजम ने अभी तक कुल 38 वनडे इंटरनेशनल मैचों में पाकिस्तान की कप्तानी की है। उनके नाम 25 मैचों में जीत आई तो 11 मैच वे हारे हैं। यह रिकॉर्ड हालांकि ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय से उनके बल्ले से वो कमाल नहीं दिखने को मिल रहा जो कि बाबर आजम के बतौर बल्लेबाज देखने को मिलता है। यही कारण है कि लोगों को उनकी बल्लेबाजी में कमी खलने लगी है। यही वजह है कि उनसे कप्तानी लेने की बात हो रही है।